हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। कल हम बात कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक उन्नयन की। तो लास्ट में मैं एक सेंटेंस बोलना भूल गया था। अगर आपसे ये पूछे कि प्रैक्टिकली डेल टी बी यानी क्वथनांक उन्नयन को कौन सी विधि से हम ज्ञात करते हैं, तो आपको बताना है कि डेल टी बी का मान हम लैंडबर्गर विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि से? लैंड बर्गर। तो वैल्यू ऑफ डेल टी बी कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी मेजर्ड बाय लैंड बर्गर मेथड। मैंने नाम तो लिखा था लेकिन डेल टी बी को बोलना मैं भूल गया था। क्लियर। आज मैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, तीसरा विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म लेने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हिंदी में कहते हैं हिमांक अवनमन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी एफ, डेल टी एफ के द्वारा। क्लियर। सबसे पहले यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी द्रव का, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक क्या होता है। किसी भी द्रव का हिमांक क्या है, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड इन बोथ स्टेट वेपर प्रेशर इज सेम। दोबारा सुन लें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड इन बोथ स्टेट्स वेपर प्रेशर इज सेम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। हिंदी में बोले कि किसी भी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी भी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्था एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होती है, और इन दोनों ही अवस्थाओं में द्रव का वास्तव समान होता है, उसे उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। ये मैंने हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपके सामने बता दी है। अब कल जैसे स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे स्टार्ट कर रहे हैं। इफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, देन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। कहने का मीन है कि जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील द्रव लायक में मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलयन बनता है, और अवाष्पशील विलयन का जो वाष्पदाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में कम हो जाता है। क्लियर। अब कल की हम यदि बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बात की थी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बात की थी। यहां पर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करने की बात करेंगे, यहां पर किसी भी द्रव के जमने की बात करेंगे, किसी भी द्रव के जमने की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील द्रव लायक यानी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन कह रहे हैं, अवाष्पशील विलयन कह रहे हैं। तो अवाष्पशील विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में कम ताप पर जमता है, अवाष्पशील विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में कम ताप पर जमता है, और ताप में इसी कमी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। तो ऑन डिसॉल्विंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, देन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट लो टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट, देन द सॉल्वेंट that decrease in temperature, so decrease in temperature is called depression in freezing point, जिसको मैं इस ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बेटा मैं ग्राफ जो प्लॉट कर रहा हूँ वो वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में प्लॉट कर रहा हूँ। तो आप ग्राफ को ध्यान से देखें बेटा, That is TF naught. क्या लिखा हुआ है? TF naught. TF naught बेटा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है,
सॉल्वेंट का हिमांक है, विलायक का हिमांक है। तो TF नॉट विलायक का हिमांक है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक की डेफिनेशन आप जानते हैं कि सॉल्वेंट की ठोस और द्रव अवस्था एक दूसरे के साथ साम्य में हो, यानी लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम एंड इन बोथ स्टेट वेपर प्रेशर इज सेम। वेपर प्रेशर वाष्प दाब समान होना चाहिए। तो आप सीधा ऊपर बढ़िए, ये पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट पर देखिए, ऊपर लिक्विड स्टेट है, नीचे सॉलिड स्टेट है, लेकिन ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिस पे मेरा चोक रखा हुआ है, इस पॉइंट पर सॉल्वेंट अपनी दोनों स्टेट में है, लिक्विड में भी है और सॉलिड में भी है। इसका मीन वो इक्विलिब्रियम में है, यानी साम्य में है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में इसका जो वाष्प दाब है वो समान है, जो कितना है, पी वी नॉट। ठीक है, कहने का मीन है कि जो सॉल्वेंट है वो टी एफ नॉट टेम्परेचर के नीचे फ्रीज होने लग जाता है। सॉल्वेंट विलायक टी एफ नॉट टेम्परेचर के नीचे फ्रीज होने लग जाता है, हो गया ना। अब आपने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, यानी एवाशील विलय पदार्थ को इस विलायक में विलय किया। तो आपने देखा कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, पीएस। उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो गया, पीएस। अब आप ये देखिए कि सॉल्वेंट तो फ्रीज हो रहा था इस टेम्परेचर पे, और सॉल्यूशन ये मैंने टीएफ लिखा हुआ है, टीएफ ये पॉइंट है, इसको सीधा ऊपर जाइए, इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पर इसके ऊपर सॉल्यूशन लिक्विड है और इस पॉइंट के नीचे सॉल्यूशन सॉलिड है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एवाशील विलयन टीएफ टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, कितने पे फ्रीज हो रहा है, टीएफ टेम्परेचर पे। तो कौन कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, कौन कम टेम्परेचर पे जम रहा है, तो एवाशील विलयन ना। अब कितने टेम्परेचर कम पे जम रहा है, तो टीएफ नॉट में से टीएफ को माइनस कर दें तो आपका डेल टीएफ आ जाएगा। तो डेल टीएफ हम कैलकुलेट करते हैं, तो डेल टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्या लिखेंगे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो बेटा ये था आपका हिमांक अवनमन। तो ताप में जो कमी हुई, विलयन जितने कम ताप पे जम रहा है विलायक की तुलना में, ताप में उसी कमी को हम हिमांक अवनमन कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं बात करूंगा आपके सामने हिमांक अवनमन डेल टीएफ और विलयन की मोललता में संबंध। ठीक है, तो देखिए बेटा, पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डेल टीएफ एंड स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी, डेल टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो रिलेशन बिटवीन डेल टीएफ एंड मोलैलिटी, और हिंदी में हम कहते हैं डेल टीएफ वर विलयन की मोललता में संबंध, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। कल भी किया था, कल डेल टी बी और एम में था, आज डेल टी एफ और एम में है। तो ध्यान दे बेटा, हम जानते हैं जैसे कल था कि विलयन की जो मोललता है स्मॉल एम वो हिमांक अवनमन के समानुपाती होती है, यानी molality of solution is directly proportional to depression in freezing point. Clear? So इससे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें कि del Tf directly proportional to small m. तो del Tf अगर हम proportional का साइन हटाएंगे तो बेटा कोई constant लेके आएंगे, नियतांक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Kf into small m. Clear? और but स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, यही होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू ग्राम। वैल्यूज रख दी, आपको कैलकुलेट करना है एम ए, क्या कैलकुलेट करना है, एम ए। तो देखिए एम ए इक्वल टू
एम ए क्या होगा, आप ध्यान दें एम ए को इधर ले जाए, डेल टी एफ को अपॉन में लिया है, तो एम ए इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा, डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ग्राम। तो ये वैल्यूज एम ए इक्वल्स टू आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एम ए क्या होता है, एम ए क्या है बताइए, एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिप्रेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कल किया था, डिफरेंस केवल इतना सा है, कल डेल टी भी था और आज डेल टी एफ आ गया, कल के भी था आज के एफ आ गया, दोनों बिल्कुल सेम है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, बस के डेल टी बी की जगह डेल टी एफ आ गया और के बी की जगह के एफ आ गया, इतना सा चेंज है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि के एफ क्या है, तो मैंने कल भी बताया था और आज मोलल, कल तो था मोलल, के बी कल क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और आज जो के एफ है मोलल डिप्रेशन डिप्रेशन कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर। अब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की यदि हम बात करें तो इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ के एफ, कल जो केबी की पड़ी थी यूनिट, वही यूनिट आज केएफ की होगी, क्या, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल केएफ की यूनिट है, और यूनिट ऑफ डेल टीएफ, तो बेटा ये यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, क्योंकि डेल टीएफ तो टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर में चेंज है वो तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में होगा, क्लियर हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा जो केएफ है, क्या केएफ, केएफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर केएफ यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिमांक अवनमन है, तो इसको कह रहे हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, केएफ को हिंदी में कहते हैं, केएफ की यूनिट ये है, डेल टीएफ की यूनिट ये है, और जो केएफ है मोलल अवनमन स्थिरांक वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते समय इसे भी उष्मागतिकी, इसे भी हम उष्मागतिकी समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और क्या है वो समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दें, Kf equals to mb into rtf square upon 1000 into del fusion h। ये मैंने एक समीकरण लिखा, Kf equals to mb into rtf square upon 1000 into del गलन h, फ्यूजन एच इंग्लिश में, डेल गलन एच यानी गलन की एंथैल्पी, फ्यूजन की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एम बी क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कांस्टेंट है, टी एफ क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक ही हो गया, ठीक है, और डेल फ्यूजन एच गलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये हो गया। और यदि आपसे कहा जाए कि प्रैक्टिकली हम डेल टी एफ को कौन से मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो मैक्सवेल मेथड होगा, कौन सा, मैक्सवेल विधि, कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं डेल टी एफ को, मैक्सवेल विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको डेल एम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया, अब मैं इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा ताकि ये टॉपिक और भी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब एक न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ, किस पर,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक अवनमन पर। अब न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीजेस। आपको केएफ की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, कहने का मीन है कि आपको किसी कोई सॉल्यूशन है जिसमें 54 ग्राम ग्लूकोज 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, आपको ये बताना है कि ये सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। केएफ की वैल्यू आपको गिवन है। क्लियर, हिंदी में सुन लें कि ऐसा विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें 54 ग्राम ग्लूकोज 250 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो बताना है कि ये विलयन कितने ताप पर जमेगा। आपको केएफ गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो केएफ मैंने आपको बताया था, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन और सुन लें बेटा ध्यान से, कि जब एक मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो विलयन विलायक के ताप में जो कमी होती है उसे हिमांक, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। दोबारा सुन ले एक बार कि जब एक मोल विलेय पदार्थ को विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है तो विलायक के ताप में जो कमी होगी उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इंग्लिश में सुनिए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा, अब सुनिए गिवन क्या है, स्मॉल डब्ल्यू 54 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 54 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कल भी बताया था 180, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू कितना है वाटर के लिए 250 ग्राम। ठीक है, एमबी वाटर का 18 होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मोलर मास ऑफ वाटर की। केएफ आपको गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और टीएफ नॉट फॉर वाटर यानी पानी, वाटर कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और केल्विन में लिखेंगे तो 273.15 केल्विन हो गया। तो फॉर्मूला ये है, डेल टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एमए इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। क्लियर, तो डेल टीएफ इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, केएफ की वैल्यू 1.86 इनटू स्मॉल डब्ल्यू 54, MA 180 इंटू 1000 कैपिटल W 250। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल TF की वैल्यू आएगी 2.232 केल्विन, और डेल TF इक्वल्स टू क्या होता है, डेल TF नॉट माइनस TF। अब आपको TF कैलकुलेट करना है, तो TF इक्वल्स टू डेल TF माइनस सॉरी TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल TF, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ गया। तो वैल्यूज रखी आपने 273.15 डेल TF नॉट की वैल्यू, सॉरी TF नॉट की वैल्यू है, माइनस डेल TF की वैल्यू कितनी है 2.232, माइनस कर दिया तो आपका बचा TF, जो आपका ये TF बचा, TF कितना बचा 270.918 केल्विन, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। हेलो, तो बच्चों मेरा दूसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है C6H8O6। क्लियर, टू बी डिसॉल्वड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड to lower the its freezing point by 1.5 degree centigrade, KF for acetic acid given है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कहने का मीन है कि आपको ascorbic acid का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C6H8O6, और इसमें लिखा हुआ है कि आपने एस्कॉर्बिक एसिड को 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन बना
उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया, डिक्रीज हो गया। और केएफ की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए गिवन है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर? तो हिंदी में सुनिए, आपको एस्कॉर्बिक एसिड का द्रव्यमान ज्ञात करना है जिसका सूत्र C6H8O6 है। ठीक है, आपने एस्कॉर्बिक एसिड को 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, घोला, तो जो विलयन बना उस विलयन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक अवनमन कितना डिक्रीज हो गया, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। और एसिटिक एसिड के लिए केएफ की वैल्यू आपको गिवन है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो बेटा आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। कैपिटल डब्ल्यू आपको गिवन है 75 ग्राम दे रखा है। एम ए एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H8O6, सबके एटॉमिक मास को जोड़ लें तो आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 176 ग्राम पर मोल, 176 ग्राम पर मोल आ गया। किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर द्रव्यमान एम ए आ गया। केएफ आपको दे रखा है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल टीएफ आपको बता रखा है कितना ग्राम, फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, डेल टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेल टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एमए इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, इतना ही फॉर्मूला है। फिर स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आएगा डेल टीएफ इनटू एमए इनटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम अपॉन केएफ इनटू 1000, स्मॉल डब्ल्यू बराबर ही आ गया। अब वैल्यूज रखिए, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 1.5, डेल टीएफ की वैल्यू है, एमए 176 है ये बता रखा है, फिर कैपिटल डब्ल्यू कितना 75 ये लिखा हुआ है, अपॉन केएफ कितना है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनटू 1000। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 5.07 ग्राम। आगे बेटा, तो ये मेरा जो टॉपिक था वो था डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, तीसरा आवेशन गुणधर्म था विलयन का, आपको जो समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आवेशन गुणधर्म में से कोई एक विद न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, तो मैं भी आपको विद न्यूमेरिकल इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। अगर ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कहने का मीन है हिमांक अवनमन का जो टॉपिक है विद न्यूमेरिकल, आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें। थैंक यू।